यूपी के सबसे बड़े सियासी घराने में मचा घमासान शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार को मुलायम सिंह यादव के कुनबे की लड़ाई सड़क पर भी देखने को मिली, जब समाजवादी पार्टी से अलग होकर समाजवादी सेकुलर मोर्चा के कार्यकर्ता अखिलेश समर्थक से ही उलझ पड़े। हद तो तब हो गई जब चाचा शिवपाल यादव के समर्थकों ने सरेआम भतीजे अखिलेश के समर्थक को कार से खींचकर जमकर धुनाई कर डाली। जैसे तैसे किसी तरह एक मेडिकल स्टोर में छुपकर अखिलेश के समर्थक ने अपनी जान बचाई। ये पूरा मामला यूपी के झांसी का है, जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का काफिला यहां से गुजर रहा था, तभी काफिले के बीच में अखिलेश यादव के समर्थक की गाड़ी भी घुस गई। उसकी गाड़ी पर समाजवादी पार्टी का स्टिकर लगा हुआ था, इससे शिवपाल समर्थकों का गुस्सा भड़क उठा और इन लोगों ने रास्ते में ही अपने काफिले को रोककर अखिलेश के समर्थक की कार पर हमला कर दिया और उसे कार से खींचकर जमकर धुलाई करना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि मुलायम के परिवार का झगड़ा साल 2016 में सबके सामने आया था, जब अखिलेश यादव पिता मुलायम और चाचा शिवपाल को दरकिनार कर पार्टी के अध्यक्ष बन गए थे, जिसके बाद मुलायम परिवार दो धड़ों में बट गया। यही नहीं, चाचा भतीजे के बीच की तलखी भी कई बार सार्वजनिक मंचों पर देखने को मिली। अभी हाल ही में शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी से अलग होकर अपनी नई पार्टी बनाई है। मुलायम परिवार की छोटी बहू अपर्णा भी चाचा शिवपाल के साथ मंच शेयर करते हुए दिखाई दी हैं। इन तस्वीरों के कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन शायद ही किसी ने सोचा होगा कि समाजवादी कुनबे में मची कलह इस तरह सड़क पर भी देखने को मिलेगी। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।